हाय नमस्कार, मैं आशीष। जिंदगी ऐसी ही चलती है और अभी मैं कुछ कहानी पढ़ रहा था और उस कहानी को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के संग वो कहानी शेयर करनी चाहिए। तो वो कहानी आप लोगों के सामने मैं अभी बताता हूँ, आपको शेयर करता हूँ। उससे पहले दो लाइनें हैं जो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में परेशान मत होइए। ये दुखों का दरिया है, ये भी पार होगा। जिंदगी में परेशान मत होइए, ये दुखों का दरिया है, ये भी पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा सब्र और रखिए मेरे दोस्त। ये जिंदगी में आपके भी चमत्कार होगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ मैं एक कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी मैं एक कहानी पढ़ रहा था। उस कहानी में था कुछ नहीं, कोई बड़ी बड़ी लाइनें नहीं थी, कोई बड़े बड़े शब्द नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन काफ़ी अच्छा लगी, इंस्पिरेशन लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके थी कि एक मालिक होता है, उसका सारा बिजनेस उन कुछ घोड़ों पर निर्भर होता है और उसके पास जो अस्तबल में घोड़े होते हैं वो काफ़ी समझदार होते हैं। उनमें से दो घोड़े तो बहुत समझदार होते हैं जो सारे घोड़ों को लीड करा करते हैं, वापस लाया करते थे सामान को और वापस ले जाया करते थे अपने अस्तबल तक। तो वो काफ़ी अच्छा उन घोड़ों को लीड करा करते थे। उसके दो घोड़े बड़े समझदार थे। उनमें से एक घोड़े का अंधा हो गया था। अब परेशानी ये थी कि बाकी सब घोड़े तो वापस आ जाते थे, लेकिन जो वो अंधा घोड़ा था वो सामान लेकर अक्सर भटक जाता था, अक्सर जंगलों में रास्ता भटक जाता था, जिसके कारण उस मालिक का काफ़ी समय, काफ़ी कर्मचारी उस घोड़े को ढूंढने के लिए लग जाते थे। अब वो मालिक काफ़ी परेशान था, क्योंकि वो मालिक ऐसा था कि वो अपने घोड़ों पे, उनके स्वास्थ्य पे, उनके खान पान पे काफ़ी ध्यान देता था। अब उस घोड़े की दिक्कत को देखते हुए काफ़ी परेशान था कि वो समझ में नहीं आ रहा था इस घोड़े को कैसे वो उपयोग करे इस घोड़े का। तो ऐसे ही वो अपने कमरे में बैठा हुआ था, अपने घर में सोच रहा था, अपने दिमाग में ये सब चीज़ें सोच रहा था, परेशान था। तो अचानक उसके बच्चे ने उससे सवाल पूछा कि पापा परेशान क्यों? तो उस बच्चे ने कहा, उस बच्चे से जब ये सवाल सुनकर उस बाप ने उसको कहा कि बेटा मैं इसलिए परेशान हूँ, मेरे अस्तबल में ये था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे सब कुछ चलता था और उसमें से दो घोड़े थे जो समझदार थे और उसमें से एक घोड़ा अंधा हो गया जिसको अब रास्ता समझ में नहीं आता है, जिसको अब लाने के लिए मुझे अपने आदमी को भेजना पड़ता है, तब उसको मैं ढूंढ के लाता हूँ, तब वो अपने अस्तबल तक पहुँच पाता है। तो बच्चा भी सोचता रहा कि परेशानी तो जन्मन है, हुआ क्या? तो बच्चे के दिमाग में ख्याल आया कि बच्चे ने कहा कि पापा जो उसमें से दूसरा घोड़ा वो कैसा है? उसने कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो समय पर आ जाता है, समय पर अपना कार्य कर लेता है, समय पर अस्तबल आ जाता है। तो उसने कहा पापा एक काम करते हैं, उस घोड़े के गले पे घंटी बांध देते हैं। तो उसने उस घोड़े के गले पे घंटी बांधी और उस घंटी बांधने के बाद उसने कहा कि अब देखो क्या होता है। तो हुआ क्या कि 3-4 दिन से जब उसने विजिट किया, देखा बार बार जाकर, तो अब वो अंधा घोड़ा भी उस घोड़े की वजह से वापस आने लगा था और उसको जो ढूंढने जाना पड़ता था वो नहीं ढूंढना पड़ता था। तो अब जब ये सब काम नहीं करने पड़ते थे, तब उसके पापा ने उससे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे ये घोड़ा वापस आने लगा। तो उस बच्चे ने कहा कि वो अंधा घोड़ा जो था वो अब उस घोड़े की घंटी की आवाज़ सुनकर जब वो उससे दूर जाने लगती तो उस घंटी की आवाज़ को पास आने की कोशिश करता और वो उसके आवाज़ सुन सुन के वापस राह पे आ जाता है और वो राह भटकता नहीं है जिसके कारण। तो ये सुन के उसका पापा काफ़ी आश्चर्यित हुआ। उसके पापा ने उससे कहा कि बेटा अब तुम समझदार हो गए हो, अब तुम मेरे बिजनेस को ऑक्यूपाई करने लायक हो गए हो और तुम आज से ये बिजनेस संभालो। कहानी बहुत छोटी है, शब्दों का प्रयोग बहुत कम है, सीमित है, लेकिन इसमें कहानी में ज्ञान बहुत दिया गया कि जब भी हम अगर हम इस कहानी को तुलना करें अपने व्यवहारिक जीवन से या फिर आत्मिक जीवन से, तो इस कहानी में परमेश्वर हमारा मालिक है और हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से दो घोड़े होते हैं जो समझदार होते हैं, जो अपना कार्य सही समय पर कर रहे होते हैं, जो अपने कार्य को सही निष्ठा से कर रहे होते हैं, अपने सही समय पर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। और कभी कोई घोड़ा रास्ता पर भटक जाता है या कोई घोड़ा परेशानी में भटक जाता है या परेशानी से अपने जीवन को काटने लगता है, उस समय ना उसको परेशान नहीं होना चाहिए,
बल्कि धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा फरिश्ता आएगा, एक ऐसा फरिश्ता के रूप में, एक ऐसे घोड़े के रूप में एक ऐसा फरिश्ता आएगा जो उसको जिंदगी को राह में फिर लाएगा। परमेश्वर अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता है, भगवान अपने बंदों को कभी नहीं छोड़ता है, बल्कि हमारे विश्वास में कमी होती है, हमारे विश्वास में हम ये सोचते हैं कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम विश्वास रखें तो शायद हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में भी बदलाव परमेश्वर वो घोड़ा भेजता है जिसकी आवाज़ सुन के हम अपनी ज़िंदगी की नैया को पार लगा सकते हैं। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हर सोमवार सुबह 8 बजे मेरे इस चैनल में हर बार एक कहानी जो आपकी ज़िंदगी के बदलाव को बदल के रख देगी, जो आपको सिखाएगी कि ज़िंदगी को गले कैसे लगाना है, इस चैनल में बने रहिए और सुनते रहिए एक नई कहानी एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।